हेलो दोस्तों, नमस्कार। समीर मलिक एक बार फिर आज आपको बताएंगे तालाब में पूरी तरह से सुरक्षित मछली को कैसे अपन पाल पोष करके बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे घर के पीछे में छोटा सा तालाब है और ये मैंने जाली से नीचे से घेरा हुआ है ताकि सांप, मेंढक और छोटे मोटे कोई चीज़ ना आ पाए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो जाली है, ऊपर से कोई भी पक्षी जैसे किंगफिशर बहुत ज़्यादा मछलियों को नुकसान करता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो, और बगुला बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में कोकड़ा भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे भाषा अलग अलग बोलते हैं उसको, वो किनारे किनारे ऐसे किनारे किनारे में बैठ करके उसको खाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर एक मछलियाँ 100 रुपये की होती है तो समझ सकते हैं आप, एक कोकड़ा अपने मछली के बड़े होते तक कम से कम 40 से 50 खा जाएगा, और अगर 7-8-10 एक जने बैठते हैं, मतलब 7-8-10 बैठते हैं, तो वो फिर काफ़ी नुकसान हो जाएगा अपना। इसलिए ये ऐसा अपन जाली बनाएं, और ये आने वाले समय में मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा कि देख पाएंगे आप, ये यहाँ पर जो मैंने कॉलम सिस्टम दिया है, यहाँ पर मैं अपने ये सारे मुर्गी उर्गी सेटअप वटअप को डालूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये मेरा कड़कनाथ है, और ये चिड़ी मुर्गी, तो ये उसमें रहेंगे। राजहंस भी हैं, बतख भी हैं, और इसमें सबसे बड़ी खास बात ध्यान देने की ये है कि तालाब जब भी आप बना रहे हों तो नया पानी अगर आप डालते हैं तो पानी को 15 से 20 दिन तक उसको रहन दीजिए, उसके बाद उसमें चूना डाल दीजिए, चूना के बाद थोड़ा सा पोटाश डाल दीजिए ताकि उसके जितने केमिकल हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सब मिल जाए, फट जाए। 10 से 15 दिन बाद आप उसमें मछली छोड़िए, उससे आपका क्या है, एक पीस भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा है, ये देखिए, और भी हमने कुछ बनाया है। मैं बीच में काफ़ी बिजी हो गया था, इसीलिए आप लोगों को नहीं बता पाया कि अपडेट नहीं दे पाया। ये देखिए, ये हमने फिश टैंक बनाया है, ये इसको हमने ऐसे ग्रीन जाली से ढक दिया है ताकि सांप वाँप ना आ पाए। इसमें भी किंग फिशर का शिकायत हो सकता था, और उसका भी। अच्छा हाँ, मैं बताने भूल गया आप लोगों को, इसमें क्या मछली है, इसमें पंगाशियस छोड़ा है हमने, अभी रूपचंदा के लिए और दूसरा टंकी बनाएंगे। ये देखिए, ये ओवरफ्लो ड्रेनेज होल है, ये यहाँ से सब पानी निकलते रहता है, ऐसे नया पानी जब भी बोर चलता है तो थोड़ा थोड़ा भरते रहता है, देख पा रहे हैं। अच्छा, हमने कुछ बच्चे मंगाए थे जिससे वजह ज़्यादा हो गए थे बच्चे, तो उसके वजह से तुरंत जो है एक छोटा सा प्लास्टिक का टैंक बनाना पड़ा अपन को। ये देखिए, प्लास्टिक के टैंक में बहुत अच्छे से हैं मछलियाँ, दिख रहा है, ये प्लास्टिक का बड़ा त्रिपाल ला करके हमने उसको मार दिया है। उसमें भी हमने ग्रीन साइड लगाया है, साथ में ईटा से दबाया है ताकि कहीं से कोई सांप या कोकड़ा उकड़ा नुकसान ना कर सके। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहीं पे कोकड़ा का घोंसला है जिसको बगुला बोलते हैं अपन, लेकिन वो अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया है। ये देखिए, बैठे भी हैं लोग अंडे पर। क्या पता आपको सांप नहीं दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, आगे की पूरी जानकारी के लिए और अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
ये हमने कुछ क्राफ्टिंग वगैरह की है, इसको भी बताएंगे बाद में। थोड़ी सी छोटी सी बागवानी भी है, उसके बारे में भी आपको धीरे से अपडेट दिया जाएगा। ये मेरा बोर का कनेक्शन है, डेली डेली थोड़ा सा पानी चलता है और वहाँ से ओवरफ्लो से डेली थोड़ा सा पानी निकल जाता है। उससे पानी की सफाई भी हो जाती है, नीचे की पानी, नीचे से ड्रेनेज हो लगा हुआ है तो नीचे से वो निकल जाता है। धन्यवाद, आगे के लिए लगे रहिए। थैंक यू।